ये भाई साहब का ना नृत्य देख के ना मुझे फिर तो टिकटॉक की कहानी याद आ गई, टिकटॉक तेरी कहानी याद आई। वो क्या दिन थे जब टिकटॉक में नए नए डिजाइन के मुजरे देखने को मिलते थे, नए नए डांस देखने को मिलते थे कमाल के। वो भी क्या दिन थे जब जो लड़कियों को स्कूल से जल्दी छुट्टी लेके और रास्ते में टिकटॉक वीडियो बनाना, नए नए तरीके का मुजरा करना। जब से ये टिकटॉक क्या बंद हुआ है ना, अब तो वो सारे मुजरे देखना ही भूल गए हम, तो कैसे होते हैं क्या है, और आंखें तरस रही हैं उन मुजरों को देखने के लिए। वो सारे मुजरे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ ना, मेरा तो अब टाइम ही नहीं कट रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। अब टिकटॉक के अलावा बताओ लोग कहाँ पे ऐसे इससे अच्छा मुजरा कहाँ करते होंगे, हैं? आप खुद ही देख लो। देखा ना आपने। और एक बात बताऊं, ये जब ये टिकटॉक चलता था तो उसमें ट्रेंड चलता था, और ट्रेंड की तो क्या बात बताऊं, ट्रेंड ऐसा ट्रेंड की बात करें ना, अगर ट्रेंड में ना अगर शर्ट फाड़ने का कोई अगर वीडियो बना के ट्रेंडिंग में डाल देता था ना, चल जाती थी ना, तो वो ट्रेंड इतना चल जाता था ना, जब तक आदमी का शर्ट फटते फटते ना उसका कच्छा तक ना फट जाता था ना, वो ट्रेंड को छोड़ता नहीं था। जैसे आप ये खुद देखो, ये भी एक तरह का ट्रेंड है, और कुछ दिनों तक तो मुझे समझ भी नहीं आया ये क्या है, ये ट्रेंड है क्या है, मैं तो खुद पागल हो गया था। आप खुद ही देख लो फिर बताना मुझे। पहले अपना कोई टैलेंट दिखाओ। मैं सिंगिंग बहुत अच्छी करता हूँ। अब तुम दिखाओ। नहीं सही में मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन से टैलेंट ने अवतार ले लिया इस धरती पे, हैं? मैं खुद पागल हो गया था भाई। कुछ दिनों तक तो मैं ये सोचता रहा शायद इस लड़के को ये जो एक्टिंग कर रहा है ना, इसको शायद वीडियो बनाता हुआ होगा ये टिकटॉक में, तो शायद उसको दौरे पड़ जाते होंगे। फिर मैंने खोजबीन की ना, तो बाद में पता चला कि भाई उसको कोई दौरे वौरे नहीं पड़ते हैं, वो तो उसका उस लड़के का एक तरह का टैलेंट है जो अपना ये टिकटॉक पे दिखा रहा है। ये कोई ऐसा वैसा टैलेंट नहीं था, हैं? ये एक महान मिर्गी टैलेंट था, हकीकत बात है, मिर्गी टैलेंट। और भाई साहब जब ये मिर्गी टैलेंट का ना आविष्कार हुआ ना, तो पूरी टिकटॉक की दुनिया में ना हाहाकार मच गई, सारी जमीन ना हिलने लगी थी, लोग टाए टाए कर रहे थे। आप खुद ही देखो ये मिर्गी टैलेंट का ये भूचाल मचा पड़ा है। और एक मजे की बात और सुनो, ये जब टैलेंट सब चला ना, तो हम सिंगल लोगों का तो समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। हम सिंगल लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन से पानी में जाके डूब मरें। एक तो हम सिंगल लड़कों को तो ना वैसी लड़कियों के लाले पड़े थे, ऊपर से आ गया ये मिर्गी टैलेंट। अब बताओ अब हमारा क्या होगा, अब ये मिर्गी टैलेंट पे भी लड़कियां मरने लगी हैं। अब बताओ हम सिंगल लड़कों का क्या होगा। पहले जो लड़कियां थी ना, या तो सरकारी नौकरी वालों में मर रही थी या फिर पैसे वालों में मर रही थी। अब ऊपर से आ गया ये मिर्गी टैलेंट, अब ये बताओ क्या करें हम सीधे साधे लड़कों को मारने के लिए ना, ये अब ऊपर से ये मिर्गी टैलेंट आ गया। आप खुद देख लो। नहीं देख रहे हो लड़कियां कितनी फिदा थी इस मिर्गी वाले टैलेंट पे, हैं? इस मिर्गी वाले टैलेंट के चक्कर में ना हम जैसे लड़के भी ये मिर्गी टैलेंट करने लगे, और आखिर हम सीधे साधे लड़के करते क्या, लड़कियां वैसे तो हमको घास डालती नहीं, तो हम सोचा कि हम भी यही मिर्गी टैलेंट शुरू कर दें। इससे ज्यादा तो अचंभा जब हुआ मुझे जब ये मिर्गी टैलेंट ना इंसानों में होते होते जानवरों तक में पहुंच गया। चलो बात वहां तक ठीक थी, मगर मैं तो इस बात को सोच के परेशान था कि लड़कियां जो है ना कि इंसानों को छोड़ के कहीं अब ये जानवरों से भी ना लिपटने लगे इनका ये मिर्गी टैलेंट देखते देखते। आप खुद देखो। देखा। और भाई साहब आप कहोगे कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। लेकिन भाई साहब 90% लड़कियां होती हैं जिनका स्कूल टाइम में सिर्फ एक ही डायलॉग होता है हम सिंगलों के लिए कि शकल देगी है अपनी, या फिर प्रपोज करो तो बोलती है आई हैव ए बॉयफ्रेंड। ऊपर वाला भी ना फिर इंतकाम, हम जैसे लौंडों का इंतकाम लेने के लिए ना इनको इतना लालची बना देता है ना
फिर ये जिंदगी में ना ये दोबारा ऐसी बात बोलने के लायक नहीं रहती है कि आई हैव ए बॉयफ्रेंड या फिर आपकी अपने तूने अपनी शक्ल देखी है, देखो खुद देखो ये भाई ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो बे भाई सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो सरकारी नौकरी का कमाल है बे। देखा यही है वो आई हैव ए बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा है? मुझे भी नहीं हो रहा था। चलो ठीक है मैं आपको यकीन ही दिला देता हूँ, आप ये देखो। शक्ल देख के ना बोली थी, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारे पूरा खानदान हाँ बोल दिया, आज मैं इनकी बीवी हूँ। वाह लड़कियों वाह, अब नहीं बोलेंगी ये कि अपनी शक्ल देखी है, और हम जैसे सिंगल लड़कों को तो ये घासी नहीं डालती थी, इनको तो बस टपोरी टाइप के शो ऑफ करने वाले दिखावे वाले करने वाले ना लड़के ही पसंद आते हैं बस। और भाई साहब यकीन मानना जितनी ना ये एटीट्यूड वाली लड़कियां होती है ना, इनको ना टपोरी टाइप के लड़के ना चलते हुए ऑटो में सेट कर लेते हैं, और हम जैसे साफ सुथरे और सीधे लड़कों पे ये हंसती हैं। आप देखो खुद देखो। देखा कैसी हंस रही है ये देवी जी है? कोई बात नहीं है, मुझे तो इस बात को देख के हंसी आती है, ये इतना ज्यादा दिखावे में विश्वास करती हैं कि आप सोच भी नहीं सके। कोई टपोरी लड़का ना किसी भी गाड़ी मांग के कोई नए कपड़े किसी से पहन के ना थोड़ा सा एक गाड़ी से इनके घर के आगे चक्कर लगा देगा ना, तो ये लड़कियां ना उस पे लट्टू हो जाएंगी, फिदा हो जाएंगी उस पे। इन लड़कियों को ना हम जैसा हीरा नजर नहीं आता है, इन लड़कियों को तो बस वो टपोरी टाइप के लड़के पसंद आते हैं जो दूसरों की गाड़ी मांग के इनके घर के आगे चक्कर लगाते हैं। आप देखो खुद ही देखो। देखा अरे कोई बात नहीं यार, जब वो बात सुनिए ना आपने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम जैसे हीरे को ठुकरा के इनको ये लगता है ना ये टपोरी वाला लड़का इनका बॉयफ्रेंड बहुत लाखों में एक है। अरे बहन तुम जिसकी अपने आप को एक्स समझ रही हो ना, वो पता नहीं कितनी एक्स को चला चुका है, यकीन नहीं आ रहा है ना, तो खुद देखो। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला, देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू एक गरम मामला। इन लड़कियों को ना अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं यार अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस बंदे को देखो, ये बंदा अपनी बंदी को ना डेट पे लेके गया है मगर उसको उसका नाम तक पता नहीं है, आप खुद देखो, देख लो। तो चलिए चलते हैं एक दूसरे ट्रेंड की तरफ, ये भी एक टिकटॉक का बड़ा फेमस ट्रेंड हुआ था। इस ट्रेंड का नाम मैंने अपने तरफ से रखा है खच्चर ट्रेंड। हाँ जैसे खच्चर होता है ना, खच्चर लात मारता है, वो ट्रेंड था, ये बहुत ही फेमस हुआ था। ये मेरे हिसाब से इस ट्रेंड की शुरुआत जो है ना, ये खच्चर ट्रेंड की शुरुआत जो जब हुई होगी ना, जब कोई आदमी सरकारी नल होता है ना हैंडपम्प उसके नीचे पानी पी रहा होगा और एक घोड़ा आके उसके पीछे से ना उसके मेन पॉइंट पे लात मारी होगी, तब जाके ये ट्रेंड शुरू हुआ था। नहीं समझ में आ रहा है ना, आप खुद देखो। बोल चीटा, चीटा तू है मीठा। बोल आटा, आटा ले फिर चाटा। बोल हट्टी, हट्टी तेरी शक्ल टट्टी। और भाई साहब ये ट्रेंड जो है ना, ये खच्चर ट्रेंड, ये लात मारू ट्रेंड टिकटॉक पे इतना वायरल हुआ कि इस ट्रेंड के मरीज ना आपको हर गली कूचे मोहल्ले में जगह जगह तुमको नजर आते थे। और भाई इस ट्रेंड के चक्कर में ना हालत ऐसी हो गई थी ना कि ये बंदा जो है ना ये खच्चर ट्रेंड लात मारू ट्रेंड के चक्कर में तो इतना पिटा था ना कि आप समझ ही नहीं सकते, खुद देख लो। भैया एक मिनट यार, भैया अब मारो। आज सिर्फ इसी ट्रेंड की नहीं है, इससे पहले जो मिर्गी ट्रेंड था ना उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले,
एक बार ना एक लड़का जो है मिर्गी ट्रेंड कर रहा था, आपको तो पता ही है कि ये मिर्गी ट्रेंड जब चला था ना तो लड़कियां कितनी फिदा हो रही थी इस ट्रेंड के ऊपर। भाई उसने ये ट्रेंड को करने के चक्कर में ना अपने पता नहीं कहां कहां तक के जोर लगा दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुई हालत वो खुद देख लो आप। ऐसा इतना ही नहीं, मैंने जो है ना ये मिर्गी टैलेंट के रोगी जो होते ना इनकी हालत खराब हो गई थी, इनमें मैंने एक बात नोटिस करी कि भाई जो इस मिर्गी टैलेंट में एक बार जो घुस गया ना वो कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाया। मैंने ये बात जरूर नोटिस की भाई साहब। लड़के जो थे ना ये मिर्गी टैलेंट के इतने आदि हो गए थे ना कि अगर इनको कोई मार्केट में या कहीं जंगल में जाते ना तो अगर कोई डाकू भी घेर लेते ना तो वो उनसे निपटने के लिए ना अपने बचाव के लिए वही मिर्गी वाला जो था ना टैलेंट ही इस्तेमाल करते थे। नहीं समझे तो आप खुद देख लो। साहब एक और ट्रेंड आया था टिकटॉक पे जिसने पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। उस ट्रेंड का नाम था मीठा ट्रेंड। एक्चुअली में कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो ट्रेंड है ना ये टिकटॉकर की रियल लाइफ से इफेक्टिव ट्रेंड था। इस ट्रेंड में क्या होता था ना कि एक बंदा जो है ना फोन पे बात करते हुए जाता था और दूसरा जो बंदा था ना पानी से भरी उल्टियां करता था जैसे उसके मुंह में बवासीर हो गया हो। आप खुद देखो यार, तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो, मेरे साथ तो रहते नहीं हो। एक करा ले, मीठा तो नहीं है। और भाई साहब ये मीठा ट्रेंड में कितनी सच्चाई थी ना इस बात को जानने के लिए मैंने बहुत रिसर्च की, लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला। मैं थक गया था रिसर्च करते करते। फिर मैं एक जगह बैठा, फिर मेरी नजर जो थी ना एक जगह जाकर ठहर गई। फिर मैंने दो लड़कों को देखा और क्या देखा वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत है। देखो तो क्यों रहे यार, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तो क्या हुआ, तेरा दोस्त है ना? मुझे बहुत 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 मजा आएगा। भाई साहब ये सब देख के ना मैं चौंक गया था। टिकटॉक और ये सब करते हैं? फिर मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं पागल, ये तो टिकटॉक का ट्रेंड है। तो मैंने कहा ये आदमी को टच तो रियल में कर रहे हैं। फिर उसने बताया अरे ये टच करना तो कोई आम बात है, असली काम तो अंदर हो रहा है। मैं चौंक गया, वो बोला ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर आप खुद देखो। देखा, और फिर मैं ये सोच रहा था कि कम से कम लड़कियां तो इस चक्कर में नहीं पड़ी हैं। लेकिन कुछ समय बाद मेरा वो भी भ्रम दूर हो गया कि लड़कियां भला क्यों पीछे रह जाएंगी। लड़कियों ने तो कसम खा रखी है हमारे देश को साथ में आसमान तक ले जाने की। यकीन नहीं हो रहा है ना, खुद देखो। भाई साहब जैसे जैसे ना समय बढ़ रहा था हमारे देश का यूथ जो है ना तरक्की कर रहा था। दोस्तों पहले तो ना एक एक ट्रेंड जो है ना एक एक बंदा कर रहा था, लेकिन भाई साहब उन्होंने फिर इतनी प्रोग्रेस कर ली कि एक एक बंदा ना फिर तीन तीन ट्रेंड एक साथ करने लगा। यकीन नहीं आ रहा है ना, तो खुद देखो। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और रेड कलर का जो बटन है ना सब्सक्राइब वाला उसको सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया एंटरटेनमेंट लेके। जब तक के लिए गुड बाय।